हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा, जहाँ कोशिश लगातार आप तक सारे अपडेट के साथ एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की हमारी बनी हुई है। गाइस, जेईई मेन 2022 जून अटेम्प्ट के एडमिट कार्ड को लेकर के आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है और बहुत सारे बच्चों के मैसेज और कॉल्स और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा। आप सभी को अब तक का जो अपडेट है, हमने सुबह से काफ़ी सारे सोशल हैंडल पे विजिट किया, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स को बहुत ध्यान से पढ़ा समझा, तो अभी तक ऐसा लगता है कि एडमिट कार्ड आज रिलीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी आज देर रात तक या फिर आज शाम तक या फिर ये वीडियो खत्म होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएँ। लेकिन एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के आगे का जो कुछ ऐसा ये कह सकता हूँ कन्फ्यूज़न बच्चों में हो सकता है, मैं सबसे पहले वो आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जेईई मेन जून का एग्जाम जो कि 20 से 29 जून के बीच में यानी 10 दिन का टाइम दिया है, 10 डेज में जेईई मेन का जून अटेम्प्ट होगा। और अगर इसको ऐसा देखें कि 10 डेज में अगर सुबह शाम एग्जाम होता है तो 20 शिफ्ट में जेईई मेन जून का एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे ही हॉल टिकट आता है बच्चे आपस में कम्युनिकेशन करते हैं कि मेरी डेट ये आई है, मेरी शिफ्ट ये आई है और ये डेट आई है। ऐसा भी हो सकता है कि जेईई मेन का एग्ज़ाम 20 से 29 जून को पर डे ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन में सुबह की शिफ्ट को एग्ज़ाम हो, शाम की शिफ्ट में एग्ज़ाम ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, हमने पिछले सालों में ऐसा देखा है कि जितने दिन गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम की डेट के लिए बढ़ाए थे उसमें जब हॉल टिकट रिलीज किए गए, एडमिट कार्ड रिलीज किए गए, तो किसी ना किसी दिन को मिस किया या किसी ना किसी दिन की शिफ्ट को कैंसिल किया या हटा दिया, क्योंकि उनको नंबर ऑफ कैंडिडेट जो यूनिक कैंडिडेट हैं, जैसा जेईई मेन जून के लिए करीबन 9,30,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, तो यूनिक कैंडिडेट उनको पर्टिकुलर पर शिफ्ट में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, ताकि यूनिक कैंडिडेट को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तभी वो परसेंटाइल सिस्टम को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है, इस बार भी ऐसा हो सकता है कि जो पहले 10 डे डिसाइड है इसमें किसी पर्टिकुलर दिन को जेईई मेन का एग्जाम ही ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी दिन की वो सुबह शाम की शिफ्ट दे रहे हैं तो अगले दिन की हो सकता है वो शाम की शिफ्ट या मॉर्निंग की शिफ्ट को वो हटा दें, ताकि वो परसेंटाइल कैलकुलेशन को प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए पर्टिकुलर बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या को बैलेंस कर पाए, इसलिए अगर आपके हॉल टिकट आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं और पता चल रहा है कि कोई दिन ही मिस है, जिस दिन जेईई मेन का पर्टिकुलर जून वाले एग्जाम में एग्जाम ही नहीं है, तो ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ये हॉल टिकट आने के बाद ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, ताकि आप बाद में हॉल टिकट आने के बाद कन्फ्यूज ना हो कि यार उसको किसी दिन पर्टिकुलर डे को किसी बच्चे को सेंटर नहीं मिला, उस दिन एग्जाम ही नहीं है, और या किसी शिफ्ट में पर्टिकुलर डे के किसी शिफ्ट को एग्जाम ही नहीं है सुबह शाम के हिसाब से, तो ऐसा स्वाभाविक है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि मैक्सिममली जेईई मेन का किसी पर्टिकुलर सेशन में हार्डली 9 शिफ्ट या 10 शिफ्ट मैक्सिममली एग्जाम हुआ है। अगर 10 दिन गवर्नमेंट एग्जाम लेती है तो वो सुबह शाम मिला के अगर एग्जाम लेगी तो 10 डेज के साथ 20 शिफ्ट होते हैं, जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल कम दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट पर डे एग्जाम लेगी या फिर किसी न किसी वो शिफ्ट को छोड़ सकती है। तो जब भी हॉल टिकट आएगा मैं इसकी प्रॉपर एक वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेरे पास जैसे सारा डेटा आ जाएगा किस दिन को एग्जाम नहीं है या किस दिन की किस शिफ्ट को गवर्नमेंट ने छोड़ा है, या फिर क्या पता 10 डेज में ही एग्जाम कर दे लेकिन केवल एक शिफ्ट में एग्जाम हो, दूसरी शिफ्ट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें एडमिट कार्ड आने के बाद ही क्लियर होंगी। तो गाइज, आप चैनल पर जुड़े रहें, अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रख लें, ताकि सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रिसाइज वे में आप तक पहुंचे और आपका टाइम अननेसेसरी चीज़ों को सर्च करने में वेस्ट ना हो और आप तक करियर की हेल्प हो पाए। विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। एडमिट कार्ड जब भी आपका आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको सेंटर का मिला है और आपका दिन किस डेट को एग्जाम है। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।